के समाचार पर। 28 को इंदौर में कांग्रेस का होगा बड़ा प्रदर्शन। बापट चौराहे से संभायुक्त कार्यालय तक निकालेंगे रैली। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह होंगे शामिल। कांग्रेस ने उखड़ी सड़कों और गड्ढों का पंडित से कराया पूजन। मंत्रोच्चार के साथ भाजपा नेताओं पर रखा नाम, मामा गोपाल और विश्वास। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव आज खंडवा में शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला में होंगे शामिल। नवीन आदर्श कॉलेज का लोकार्पण, नामकरण की करेंगे घोषणा। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान, 4.70 करोड़ लोगों को लगा पहला डोज। लक्ष्य पूरा करने के लिए सितंबर के 4 दिनों में रोज 19.56 लाख टीके लगाना जरूरी। फिल्म रावण लीला पर विवाद, ग्वालियर में हिंदू संगठन बोले भगवान राम सीता के लिए उपशब्द का प्रयोग कर भावनाओं को पहुंचाई ठेस। फिल्म रिलीज न करने की दी चेतावनी। इंडिगो की 5 फ्लाइट फिर होंगी शुरू। कोरोना में बंद हो गई थी सूरत, शिरडी, चंडीगढ़, जोधपुर और वाराणसी की फ्लाइट अब साल के अंत तक हो जाएंगी शुरू। ग्वालियर में सम्राट का जाति विवाद, कमेटी बताएगी कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे या क्षत्रिय। एडवांस देने के लिए 4 अक्टूबर तक का दिया समय। जबलपुर में कायाकल्प कार्यक्रम में विकास नगर पार्क का चयन। देश के 22 शहरों में जबलपुर भी प्लेस मेकिंग प्रतियोगिता में होगा शामिल। अस्पताल प्रशासन लापरवाही, जिला अस्पताल में नहीं मिल रहा शुद्ध पानी, मरीज और उनके अटेंडर परेशान। जिस यूनिवर्सिटी को मेनका गांधी ने खटिया कहा था वहां के डॉक्टर्स ने करा कमाल, डॉग के खून से बनाया आग की झिल्ली, अब तक 50 कुत्तों का हुआ ऑपरेशन। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।